हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम कुछ इस टाइप की एक्वा एंड ऑरेंज इफेक्ट फोटो एडिटिंग है जो लाइटरूम ऐप की मदद से करने वाले हैं। गाइज, ये एडिटिंग आपको बिल्कुल इजी तरीके से सिखाने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। एंड आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। गाइज, आपको सबसे पहले लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है और यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके अपनी फोटो को ऐड कर लेना है। एंड गाइज, हम इस फोटो को एडिट करने वाले हैं तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं एंड इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड फोटो पे हमें क्लिक करना है एंड इसको हमें यहाँ पे ओपन कर लेना है। एंड गाइज, सबसे पहले हमें करना है लाइटिंग को एडजस्ट, तो हमें जाना है लाइट वाले ऑप्शन पे, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। एंड गाइज, एक्सपोजर है, इसको हमें हल्का सा इंक्रीज करना है, तो सिंपली इसको हमें इतना इंक्रीज कर लेना है। एंड गाइज, इसके बाद में कंट्रास्ट है, इसको भी हल्का सा हमें इंक्रीज करना है, तो सिंपली इसको हम इतना कर लेते हैं। एंड गाइज, हाईलाइट है, इसको हमें हल्का सा डाउन करना है। ठीक है, तो सिंपली इसको हम इतना डाउन कर लेते हैं। एंड गाइज, शैडोज है, इसको भी हमें डाउन करना है। एंड गाइज, इसको हम सिंपली इतना डाउन कर लेते हैं। एंड गाइज, फिर इसके बाद में वाइट बैलेंस, तो इसको हमें हल्का सा इंक्रीज करना है। ठीक है, एंड गाइज, ब्लैक्स है, इसको हमें हल्का सा डाउन करना है, तो सिंपली इसको हम इतना डाउन कर लेते हैं। एंड गाइज, हमारी लाइटिंग को कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसके अंदर कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं, तो हमें जाना है यहाँ पे सिंपली कलर वाले ऑप्शन पे। ठीक है, एंड गाइज, यहाँ पे टीन है, इसको हमें हल्का सा इंक्रीज करना है, तो सिंपली इसको हम इतना कर लेते हैं। एंड गाइज, विब्रेंस है, इसको भी हमें हल्का सा इंक्रीज करना है। एंड गाइज, इसके बाद सैचुरेशन, इसको हमें डाउन करना है, तो सिंपली इसको हम इतना डाउन कर लेते हैं। एंड गाइज, फिर हमें जाना है यहाँ पे मिक्स वाले टूल पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। एंड गाइज, यहाँ पे फर्स्ट वाले कलर पे हमें क्लिक कर लेना है। ठीक है, एंड यहाँ पे हुए गाइज, इसको हमें हल्का सा इंक्रीज करना है, तो सिंपली इसको हम इतना कर लेते हैं। एंड गाइज, सिचुएशन है, इसको हमें डाउन करना है। ठीक है, तो सिंपली इसको हम इतना डाउन कर लेते हैं। गाइज, इसके बाद लुमिनेंस है, इसको हमें सिंपली इतना इंक्रीज कर लेना है। एंड गाइज, फिर नेक्स्ट वाला कलर हमें ऑरेंज पे आ जाना है एंड इसकी सिचुएशन को हमें डाउन करना है। एंड गाइज, लुमिनेंस है, इसको हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, तो लुमिनेंस को सिंपली हमें इसको इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइज, फिर हमें नेक्स्ट वाला कलर यहाँ पे येलो पे हमें आ जाना है। एंड गाइज, इसकी हुआ है, इसको हमें डाउन करना है, तो सिंपली हम इसको इतना डाउन कर लेते हैं। एंड गाइज, सिचुएशन है, इसको हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, तो सिंपली इसको हमें इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइज, लुमिनेंस है, इसको सिंपली हमें इतना कर लेना है। एंड गाइज, फिर हमें नेक्स्ट वाले कलर यहाँ पे ग्रीन पे हमें आ जाना है। ठीक है, एंड गाइज, इसकी हुआ है, इसको हमें डाउन करना, तो सिंपली इसको हम इतना डाउन कर लेते हैं। एंड गाइज, सिचुएशन है, इसको हमें इंक्रीज करना है, तो सिंपली इसको हम इतना इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, एंड गाइज, ल्यूमिनेंस है, इसको भी सिंपली इतना इंक्रीज हमें कर लेना है। एंड गाइज, फिर हमें आना है यहाँ पे एक्वा कलर पे, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एंड गाइज, इसको हमें फुल -100 कर लेना है। ठीक है, एंड गाइज, सिचुएशन है, इसको हमें फुल 100 कर लेना है। गाइज, इसके बाद में लुमिनेंस, तो इसको सिंपली हमें इतना कर लेना है। एंड गाइज, फिर हमें नेक्स्ट वाले कलर यहाँ पे ब्लू पे हमें आ जाना है। एंड गाइज, इसके अंदर ह्यू है, इसको हमें डाउन करना है, तो सिंपली इसको -100 हमें कर लेना है। एंड इसकी यहाँ पे सिचुएशन है, इसको हमें फुल 100 कर लेना है। लुमिनेंस है, इसको हमें हल्का सा इंक्रीज करना है। एंड गाइज, फिर हमें सिंपली यहाँ पे डन कर लेना है। एंड गाइज, अब हमें चलना है प्रोफाइल के ऊपर, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, एंड अब हमें जाना है यहाँ पे आर्टिकल 3 पे, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं आर्टिकल 3 पे। ठीक है, एंड गाइज, इसको हमें हल्का से इंक्रीज करना, तो सिंपली इसको हम इतना इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, एंड गाइज, फिर हमें सिंपली यहाँ पे डन कर लेना है। एंड गाइज, अब हम अपनी फोटो के अंदर इफेक्ट डाल लेते हैं, तो हमें जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एंड गाइज, टेक्सचर है, इसको हमें इंक्रीज करना, तो सिंपली इसको हम इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइज, क्लैरिटी है, इसको भी हमें इंक्रीज करना, तो सिंपली इसको भी हम इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइज, फिर विग्नेट, इसको हमें हल्का सा डाउन करना है। एंड गाइज, इसके बाद में फिर मिड पॉइंट, इसको भी हमें हल्का सा डाउन करना है। एंड गाइज, फिर फेदर, इसको हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, तो फेदर को हल्का सा हमें इंक्रीज करना है, सिंपली इसको हमें इतना कर लेते हैं। एंड गाइज, अब हमें जाना डिटेल्स के ऑप्शन पे, अपनी फोटो को हमें स्मूथ कर लेते हैं। ठीक है, तो डिटेल्स के ऑप्शन पे चलते हैं। गाइज, शार्पनिंग है, इसको हमें हल्का सा इंक्रीज करना है, तो सिंपली इसको हम इतना कर लेते हैं। एंड गाइज, रेडियस है, इसको भी हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, तो इसको भी हम इतना कर लेते हैं। एंड गाइज, फिर डिटेल्स, इसको हमें फुल कर लेना है। एंड गाइज, फिर आता है नॉइज प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको हल्का से हमें इंक्रीज करना है, डिटेल्स को हमें सिंपली फुल कर लेना है। ठीक है, एंड गाइज, फिर आता है कलर नॉइज प्रोडक्शन, इसको भी हल्का से इंक्रीज करना है एंड डिटेल्स को फुल करना है एंड स्मूथनेस को हमें फुल कर लेना है। ठीक है, फिर हमें आना है लेंस के ऊपर एंड इन दोनों को हमें ऑन कर देना है। एंड गाइज, आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, हमारी फोटो यार एडिटिंग काफ़ी अच्छी एडिट हो चुकी है। तो गाइज, सिंपली अब हम इसको सेव कर लेते हैं, तो हमें जाना है यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एंड गाइज, फिर हमें यहाँ पे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट पे हमें क्लिक कर लेना है। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे जेपीजी सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे स्क्रॉल करना है, वाटर मार्क को हमें रिमूव करना है एंड यहाँ पे डन कर लेना है। एंड गाइज, हमारी फोटो काफी अच्छी क्वालिटी के अंदर सेव हो चुकी है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे टैप कर लेते हैं। आई होप गाइज एडिटिंग आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।